नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल टेक इन दी न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है जोमेटो राइडर्स के लिए, बिकॉज आज मैं सबके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आ चुका हूँ। जहां से गाइस, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो अपने जोमेटो राइडर पार्टनर एप्लीकेशन में, तो गाइस यहाँ पे अब से आपके पास कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर असाइन नहीं होंगे। इस ट्रिक को मैं ऑलरेडी 1 वीक से ट्राई कर चुका हूँ एंड मुझे 100% इसके रिजल्ट मिले हैं। ओके, यहाँ पे आप अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी आईडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लीगल वे है इस ट्रिक को अप्लाई करने का। तो ये ट्रिक गाइस मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा आपको, एंड ये ट्रिक फर्स्ट टाइम मैं शेयर करने वाला हूं। इससे पहले भी कोई भी यूट्यूब क्रिएटर ने ये ट्रिक अपने चैनल पे शेयर नहीं की है। तो गाइस, इस बात पे आपका गाइस यहां पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी पूरी देखना, एंड में गाइस वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आए तो आपसे गाइस मिस ना हो। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये ट्रिक जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, ये ओनली ऑन जोमेटो बाइकर डिलीवरी बॉय ही अप्लाई करना। अगर आप जोमेटो साइक्लिस्ट हो, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी आईडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज जितने भी जोमेटो साइक्लिस्ट डिलीवरी बॉय हैं उनके पास कम दूरी के ऑर्डर असाइन होते हैं। अगर वो ट्रिक ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी आईडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये ट्रिक अप्लाई करो। ओनली ऑन बाइकर्स, जो जोमेटो बाइकर डिलीवरी बॉय है वही ये ट्रिक अप्लाई करना। तो गाइस, यहाँ पे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर आपके पास आते हैं, यहाँ पे अगर जो जोमेटो बाइकर है तो यहाँ पे आपका 100% चांसेस है कि आप जोमेटो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर से काफी ज्यादा परेशान होगे, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर आपके पास अधिकतर मात्रा में यहाँ पे नाइट में ही अधिकतर आते हैं। यहाँ पे अगर दिन में आप काम करते हो, दिन में आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर, बट यहाँ पे अगर आप नाइट में काम करते हो तो यहाँ पे आपको नाइट की शिफ्ट में काफी सारे ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, जो आपको गाइस बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी कराते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हो सकता है आपकी जो मिंजी कर रहे हो, मिंजी आपकी छूट जाती हो इस ऑर्डर के रिलेटेड, आप यहाँ पे गाइस जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हो वो टारगेट आपका रह जाता हो इस लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर के थ्रू। तो गाइस, यहाँ पे आज जो मैं ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ, इस ट्रिक को आप यहाँ पे 100% अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको 100% इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक फिगर आउट करा देता हूँ कि किस तरह जोमेटो डिलीवरी बॉय को लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर काफी ज्यादा परेशान करते हैं। मैं आपको बिल्कुल लीगल वे में आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सपोज करो, आप एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो, जोमेटो बॉय का डिलीवरी बॉय हो, आपके पास कोई 8 से 9 किलोमीटर डिस्टेंस का कोई ऑर्डर असाइन होता है। ओके, और वो ऑर्डर किसी ऐसे एरिया से आ रहा है जो एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा दूर है, उस एरिया में कोई भी रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वहां से कोई भी आपको रिवर्स का ऑर्डर तो मिलना ही नहीं। ओके, एंड वो एरिया जिस एरिया में आप जा रहे हो, जिस कस्टमर पास आप जा रहे हो, वो जो लेन है, जो जिस लेन से आप जाओगे वो लेन काफी ज्यादा गड़बड़ है। ओके, उस लेन में काफी ज्यादा रस आपको देखने को मिलेगा, तब गाइस उस कंडीशन में वो ऑर्डर आपके लिए काफी ज्यादा बैड हो सकता है, बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। बिकॉज वो जो ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर आपको 30 मिनट दिखा रहा है तो ये मान के चलिए वो ऑर्डर आपका कम से कम 1 घंटा या ऊपर आपका ले सकता है। ओके, तो गाइस जैसे आपने उस ऑर्डर को डिलीवर किया कस्टमर के लोकेशन पे जाके, ठीक, अब वहां से कोई भी आपको रिवर्स का ऑर्डर तो मिलना नहीं है, तो गाइस वहां पे आपको खाली हाथ ही आना पड़ेगा। अब जब वो ऑर्डर आप लेके अपने एरिया में आते हो, तो वहां पे आने के बाद, अपने एरिया में आने के बाद जैसे आप अपना जोमेटो रनर पार्टनर एप्लीकेशन रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे गाइस आपको पास 99.9% चांसेस है कि आपको अपने एरिया से सेम उसी लोकेशन के ही ऑर्डर असाइन होंगे। और गाइस ये रिपीट होगा 3 से 4 बार, यानी कि मैंने बहुत सारे ऐसे राइडर देखे हैं जिनके पास ऐसे ऑर्डर आते हैं। एंड यहाँ पे भी आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस को ऑर्डर दे के आते हो, अगर कस्टमर ने आपको 5 स्टार रेटिंग दे दी और वो ऑर्डर आपने, क्योंकि रिवर्स का ऑर्डर मिलना नहीं है, तो वहां पे आप जल्दी आ रहे हो अपने एरिया में, बिकॉज यहाँ पे आपको टारगेट भी अचीव करने हैं, तब गाइस इस कंडीशन में आपके पास ये ऑर्डर बार बार आएंगे। ओके, उसी सेम उसी एरिया के उसी लोकेशन के। ओके, तो गाइस इस रिगार्डिंग यहाँ पे काफी राइडर इस सिचुएशन से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जोमेटो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक रफली फिगर आउट करा देता हूँ कि जोमेटो की नजर में आपकी आईडी पे, यानी कि आपने जो भी ऑर्डर डिलीवर किया है
उस लोकेशन से, उस कस्टमर से आपको यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग मिली है पहली बात। और गाइज वहाँ पे जो भी आपने ऑर्डर डिलीवर किया उस ऑर्डर को आपने फास्ट डिलीवर करके अपने लोकेशन पे आप आ गए हो, इसका मतलब आपने वो ऑर्डर फास्ट डिलीवर किया है अनदर जितने भी राइडर हैं उनके अपेक्षा। ओके तो गाइस इस रिगार्डिंग जोमेटो की नज़र में आपकी आईडी बिल्कुल साफ साफ पे देखी जाती है, एंड आपकी ही आईडी पे यहाँ पे जितने भी उस लोकेशन के ऑर्डर आएंगे उस समय तो वो ऑर्डर आपकी ही आईडी पे असाइन होंगे। ओके अब गाइस इसका सोल्यूशन क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर से आप बचो कैसे, यहाँ पे जो आपको बार बार लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर सेम उसी लोकेशन के असाइन हो रहे हैं, तो गाइस इन लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर से आप बचो कैसे, तो गाइस यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ, इसको सिंपली आपको अप्लाई करना है। तो गाइस यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर दे के आ रहे हो 8 से 9 किलोमीटर, आप वहाँ से खाली हाथ आ रहे हो बिकॉज वहाँ पे रिवर्स ऑर्डर भी तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप खाली हाथ आ रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने लोकेशन में पहुंचने वाले हो, अपने एरिया में पहुंचने वाले हो, तो अपने एरिया में पहुंचने से पहले 3 से 4 किलोमीटर पहले ही आपको अपनी डिवाइस में एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लेना है, प्लस यहाँ पे अपना जोमेटो रनर पार्टनर एप्लीकेशन का क्लियर डाटा कर लेना है, जिससे गाइस यहाँ पे ये बेनिफिट होगा जो आपका जो आपने एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कराया है जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी आईपी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे जो जोमेटो है वो आपकी जो आईडी देख रहा है वो आपका आईडी पे एक्सेस नहीं ले पाएगा उतने समय के लिए, यानी कि वो हाइड हो जाएगा। ओके जैसे गाइस यहाँ पे आप एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके ऑन करते हो तो गाइस यहाँ पे जोमेटो की नजर में वो आपकी आईडी आ जाएगी, यानी कि उतने समय के लिए बिल्कुल रिफ्रेश कंडीशन में आपकी आईडी हो जाएगी, जोमेटो उतने समय आपकी आईडी पे उतना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो गाइस यहाँ पे उस कंडीशन में आपके पास जैसे आप उस एरिया में अपने एरिया में जाके अपना जोमेटो पार्टनर एप्लीकेशन रिफ्रेश करोगे तो गाइस यहाँ पे 99.9% चांसेस है कि यहाँ पे आपको फिर से अगेन उसी लोकेशन का ऑर्डर असाइन नहीं होगा, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर उस समय आपको असाइन नहीं होंगे। ओके तो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक शेयर करी है आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको हार्मफुल इफेक्ट अपनी आईडी पे देखने को नहीं मिलेगा। काफी सारे राइडर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं अपनी आईडी पे बट वो किसी न्यू राइडर या फिर किसी ओल्ड राइडर को बताते नहीं है बिकॉज वो सोचते हैं कि ये ट्रिक ओवर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जोमेटो की तरफ से ही एक गाइडलाइंस है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई भी इशू होता है तब गाइस यहाँ पे हम आपकी 15 मिनट तक की आपकी आईडी लॉगिन रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी आईडी पर एक्शन होगा, बट यहाँ पे आपको 15 मिनट तक वेट नहीं करना है, आपको गाइस यहाँ पे मिनटों का ही खेल है, आपका एयरप्लेन मोड आपको ऑन करना ऑफ करना है और ऑन कर देना है, बस इतना ही आपको काम है। तो गाइस यहाँ पे आप इसको इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, आपकी आईडी पे 99.9% चांसेस है कि अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो गाइस यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर ऐसा नहीं होंगे, जिस एरिया से आप अभी ऑर्डर डिलीवर करके आए हो उस एरिया से अगेन आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलने वाला नहीं है। ओके तो गाइस इस ट्रिक को आप अप्लाई कर लेना अपनी अपनी आईडी में, अगर आप जोमेटो एक बाइकर डिलीवरी बॉय हो, अगर आप जोमेटो साइक्लिस्ट हो, अगर आप ये वीडियो देख के अप्लाई करते हो इस ट्रिक को तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, बिकॉज अगर आपने इस ट्रिक को अप्लाई किया तो आपकी आईडी पे यहाँ पे एक्शन हो सकता है। ओके तो गाइस आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, यूनिक लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का वीडियो आए तो उससे गाइस मिस ना हो। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।